नमस्कार सारनी, आज किस क्लास असमंस? आज हम 8th लेसन कर रहे हैं। आज जो 8th लेसन है इसका रून, मगर इस करो गोडे 7th लेसन उक रिवीजन। पहले हम लेसन नंबर 7 का रिवीजन करेंगे। एक मिनट, शेयर स्क्रीन करना है। स्क्रीन नजर आ रहा है सबको? ठीक यस लेसन नंबर 7 का होमवर्क सबने किया? सारवी को रहा होमवर्क? रत्मजा का इसके क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन? मैं एक नालायक आदमी, मैंने नहीं किया जी। होमवर्क चेक करने वाली फिर हो जाएंगी नाराज, तो आपको पता है कि होमवर्क इज ए मस्ट। आने है लेकिन अब करूंगा, सीखने में टाइम भी नहीं मिला। दिक्कत होती है ना, ये हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप सब लेसन एक बार जमा करके रखोगे और फिर एक साथ सीखोगे, लैंग्वेज उस तरह से नहीं आप सीख सकते हो। हाँ जी, सही बात है। इतने समय नहीं मिला मुझे, घर में काम लगा था तो भाग दौड़ में। अच्छा, इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं नहीं, तो। बस आप ये दो चार दिन की बात है, उसके बाद फ्री हो जाऊंगा मैं। ठीक है अब इसमें रिवीजन में पहले हम कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स अगर हम फटाफट फटाफट करेंगे, जैसे सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग कौन बताएगा? प्रिया जी, सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस को कैसे बोलते सेंटेंस की हैं? कश्मीरी ज ज नहीं, जो से है, एनीवन जुमले एल्स? तीन ही लोग तो हैं, तीन है कि चार है? एक दो चार लोग हैं। जुमलो होता है अच्छा जुम ल सिस्टर, जुम ल सिस्टर बेनी बेन्ये, वेरी गुड। बेनी सिस्टर बेनी अंकल, बेनी अंकल बेतुन पितर 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 राइट, WRITE राइट, लेखन 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 करेक्ट। लेखन पढ़ने में किसी को दिक्कत हो रही है? लिखने में? जंप की कश्मीरी जरा बोलिए। मैम जंप की कश्मीरी क्या है? जब जंप, सॉरी, इट इज ऑन द स्क्रीन। व्हाट टू लर्न? व्हाट जंप, टू लर्न? जिसकी मात्राएं जंप, वगैरह है ना, उन वर्ड्स को बट यूज करवाओ मेरे नानी जी। टुलन, बट हाँ, नेक्स्ट वर्ड है टुलन, इसमें, ये जो है स्लीप की कश्मीरी, शंगुन, 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 शंगुन। ठीक है। क्लीन, साफ साफ करो, करो, वो तो हिंदी के जैसा साफ ही है। साफ साफ जी, मैंने कहा करूंगा। ना जो कठिन वाले हैं अच्छा, जिनको कठिनाई से बोलना है, जैसे ये है डिस्ट्रीब्यूट की बोलिए। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कहाँ गया? आगरा हाँ, यही है, ये है बोग, बोग बोग, बोग 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 बग रावण, वेरी गुड। फिर से रिपीट बोग करिए, बग रा बोग रावण बग रावण। बोग एंटर, रावण एंटर, कहीं अंदर जाना है, एंटर, टू एंटर, उसको कश्मीर। सुन अत्सुन, अच्छुन अत्सुन, च च अत्सुन,
अर्जुन अर्जुन हाँ अर्जुन अर्जुन सर है चर्नी है फ्लाई टू फ्लाई बुडुन ठीक बुडुन थोड़ा स्टाइल में फर्क आ जाता है जब आप बोलते हैं हम बोलते हैं फर्क आ जाता है हाँ वो तो हो जाएगा अब आपको आदत है बचपन से कोई शब्द किसी तरह से बोलने की तो वो एक दिन में तो नहीं जाएगी उसमें प्रैक्टिस हाँ जी हाँ करेंगे जी आप तो जैसे हम लोग फ्रेंच बोलने लगेंगे तो हमको कहाँ बोलनी आएगी ऑल्दो लेटर्स जो अल्फाबेट है सेम है फ्रेंच का थोड़ा बहुत एक्सेंट जब आता है उसमें तो हमको भी नहीं बोलना आता है प्रैक्टिस से हो जाएगा अच्छा स्विम रोज साठ वाइन साठ बिंदी है अगर आपको बोलने में कठिनाई हो तो मैं क्या बताऊं जैसे छ है अगर हम खाली बोलेंगे छ में आ की मात्रा और ठ तो वो हो जाएगा छाठ लेकिन हम छ में नीचे बिंदी लगाती है तो बन जाता है छ अब अगर हम ऊपर आ की मात्रा के ऊपर बिंदी लगाते हैं तो ये बन जाता है छा इसलिए छा न होकर के ये बन गया छा ये मतलब उच्चारण के लिए मैं कह रही हूँ तो हो गया ये छाट और वाइन वाइन तो सिंपल है उसमें कुछ ही बात नहीं अब बोलिए सब लोग एक एक करके बोलिए छाट वाइन वेरी गुड छाट वाइन छाट वाइन गुड गुड सबका ठीक हुआ अब ये बोलिए जरा बात के लिए वेद श्रान करुण बिल्कुल ठीक है राइड के लिए बोलिए राइड राइड के बोली कश्मीरी सवार राइड राइड आर आई डी सवार सवार करें अब मैं डिफरेंशिएट करके आपको सिखा दूंगी जैसे हमने बोला सवार ये है क्या इसमें जो चंद्र लगा है ये आपको याद रखना है आ की मात्रा के ऊपर जब चंद्र लगा होता है उसमें आती है ध्वनि किसकी मज वाली अब जैसे ये है ना वा ये हो जाएगा वो सा पहले हो गया सा फिर हो गया वो और फिर ऊपर से है र और ये हो गया सवर पढ़िए सवर देखो तोड़ के और थोड़ा ब्रेक करके पढ़ेंगे और मात्राओं को अलग अलग से पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस से बिल्कुल आ जाएगा कोई उतना कठिन तो है नहीं अब इसका करिन भी बोलिए करिन करिन ठीक है मैम ये आई का जो ध्वनि है ना पता नहीं मुझे अभी भी समझ में कहाँ पे लगानी है ये जो जब य न और मतलब य के साथ कुछ जब जुड़ता है ना जब लास्ट में य होता है य की साउंड वाई की साउंड और उसके साथ आपने देवनागरी पढ़ा हिंदी पढ़ा आपने नॉर्मल हिंदी ना हाँ हाँ हिंदी ये जैसे आप हिंदी में देखे ये य के साथ आधा न है हाँ. ये यो के साथ जुड़ता है कुछ तो उसको करिन हम हिंदी में न आधा और य लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे न आधा य तो न की जगह पे एन है और य की जो साउंड है वो ये जो ऊपर आए लगता है वो य की साउंड है जब य किसी के साथ जुड़ता है ये न आधा य तो ये हमेशा य के साथ ही जो साउंड लगनी है तभी ये मैं आई लगाऊंगी एन की जगह न की जगह पे एन है और य की जगह पे आई है हाँ ये जब आई ऊपर लिखा हुआ है मतलब इसके साथ लास्ट में य है और य के साथ कुछ जुड़ा है जो आधा है ये आधा इसलिए क्योंकि न और य की साउंड जो है दोनों कंबाइन हो जाती है करें इसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं न और य की साउंड अच्छा हाँ ओके ठीक है अच्छा ये जुड़ी हुई है इसलिए ये आप इसको पूरा न और पूरा य नहीं लिख सकते हैं इसलिए आप इंग्लिश में तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम आधा कुछ लिखें इसलिए ये सुपरस्क्रिप्ट लगता है वो इनिशियल साउंड और उसके साथ य का सुपरस्क्रिप्ट लगता है ये बस लर्न या दिमाग में रखना है कि ऐसे होता है अच्छा नेक्स्ट है कट तो इजी है पील भी जरा पील कर का बताइए
दल्ले तुलुन द्यो है ये, विद्या वाला द्यो है ये। हाँ जी, फिर से बढ़िया बताइए। दल तुलुन क्या तुलुन, फिर आया लास्ट में इसमें थप करिंग, होल्ड के लिए थप करिंग। ये देखिए आप, फिर से थप करिंग है यहाँ पे भी, फिर से ये य के साथ न ही है आधा। ये हमेशा नहीं है कि न ही साथ में होगा, बट अभी के जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें न ही आधा आता है, तो इसमें भी एन के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट लगा। तो अब जैसे दगुन होता है, मतलब भागने को दगुन, हाँ, तो जब मैं दगुन लिखूंगी उसके दगुन, तो वहां पर नहीं, 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 अच्छा, नहीं, 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 नहीं है दवुन्य, नहीं है दवुन्य, अगर होगा तब आएगा ये दवुन, अकेला न है, पूरा न है। हाँ, ओके। ये रटुन भी होल्ड ही है, हाँ रटुन होल्ड है, उसमें न पूरा है इसलिए एन अकेला आएगा। कम हियर, ये देखिए यहाँ पे यूर, यूर बोलो, यूर यूर र ऊपर है ना, र आधा है और य है, तो इधर आर के ऊपर य का सुपरस्क्रिप्ट लगा है। बोलो यूर, वल यूर, वल वल यूर, यूर। आप अलग, आप फटाफट फटाफट बोलने की कोशिश ना करें, उसमें यू के ऊपर जो कैप लगता है मैम, इसकी साउंड कैसे निकलती? ओ के की, ओ यू के ऊपर जो कैप है, यू के ऊपर वल, तो है ना, ये ऊ है ना, ये जो स्टार्टिंग लाइन है आप जो बोलते, ये ब, ब वाला जो हम जो हमारा ब है, ब के लिए जो साउंड है ना, जब वो वाला गाइड वर्ड हमारा ब है, वल ब है ना यहाँ पे लास्ट में, तो वो यू क्या लगता है, वल यूरिया। हाँ नहीं, आप वल अलग बोलिए, फिर थोड़ा रुकिए और फिर बोलिए यूर, वल यूरिया, नहीं यूरिया, यूरिया, वल यूरिया, यूरिया नहीं बोलना है, यूर यो को छोड़ना है, यो लास्ट में यो के साथ और कोई साउंड नहीं है, वल यूर, हाँ यूर बस, वल यूर, हाँ वल यूर, वल यूर, यूर वल यूर, वल यूर कम हेयर, वल यूर थोड वॉट, Go there. Tor gach, tor gach. Go sleep. Go sleep को कैसे पढ़ते हैं? Gach. Open the gach window. Song. Gach song. Gach song. Gach sir है ये, छ नहीं, gach. Dar. Gach. Dar machrao. हाँ. Do that. दार मचराव, दार नहीं है, दार नहीं है ये, आ के ऊपर अर्धचंद्र है ये, तो ये दो दर, दार नहीं, दर दर, ये दरवाजा और विंडो एक ही वर्ड है, दर दरवाजा, वो बार है, वो बार है, बार बार, वो बार है, द डोर बार कर बंद, दर बार नहीं है ये, मतलब अगर आप सोच दर मचराव, दर मचराव, मचराव, दर मचराव, थोड़ा बोलने में है, हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, बिज पंखु, पंखु नहीं है ये, ये है ख, पंखु कर बंद, कर बंद, पंख बोलिए, पंख, पंख, हाँ पंख कर बंद, हाँ पंखे को पंख, अच्छा ठीक है, वैसे पंखा बोलते हैं, पंख, हाँ थोड़ा सा ही डिफरेंस है, हाँ
और पंख कर बन, गो टू मार्केट, ये तो हिंदी के बाजार जो हिंदी जैसा नहीं है, जिसमें मात्राएं लगी हैं एक्स्ट्रा जो वॉवल्स हैं उनको पढ़वाओ, उससे हो जाए, बाकी तो मेरे ख्याल से सब ढूंढ रही हूँ. लिसन टू मी, लिसन टू मी, म्यून म्यून कट बोल्स, म्यून कट बोल्स, करेक्ट, म्यून 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 नहीं म्यून म्यून लाया कहाँ है? ये है, ये म्यून लिसन टू मी वाला म्यून, म्यून टू मी इसमें आया नहीं. लिसन टू मी म्यून कट बोर, म्यून कट बोर, बोज, बोज, फिर डेज ऑफ वीक है बोज, म्यून कट बोज, ये आपने पढ़ा होगा. ये पहला वाला पढ़िए, चंद्रवार, 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 ये फ्राइडे पढ़िए, चंद्रवार, शुक्रवार, शुक्रवार, शुक्रवार. हॉलिडे को क्या बोलते हैं हिंदी वाला ही? छुट्टी, छुट्टी, हम्म, छुट्टी. अच्छा, काउंटिंग में टू को क्या बोलते हैं? ज, टू, टू हो गया ज, फोर हो गया चोर, सिक्स हुआ शे, शे, टेन शे, शे. चौदह 23, 25, 24 हो गया. ये था हमारा प्रीवियस लेसन. अब मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ. अब आज का लेसन करना जी, आप शेयर कर रहे हैं आज का लेसन? हाँ, इसमें लेकिन लेसन का स्क्रीन नहीं आ रहा है. अभी देख रही हूँ, मुझे आप क्या, मैं तो साइन हूँ तो इसमें क्यों आ रहा है, साइन इन करो. नहीं, वो आप क्लोज कर दीजिए वो वाला स्क्रीन. आया कौन पढ़ेगा ये आज? नया लेसन शुरू करते हैं तो प्रार्थना करनी चाहिए. शारदा देवी, हाँ जी, ठीक है. ओम नमामि स्वाम शारदा देवी.
महाभागी भगवती काश्मीर पूर्वासिनी विद्या दायिनी अस्माम रक्षमाम नमामि तमाम। पढ़िए आमि पन सुद्रस नाविचस लमान कट बोज दाई म्योन मित दी तार आमें टाकें पोन जन शमान जू छुम ब्रमान घर गस्तो। लेसन एट है। लेसन वन में क्या था वो आपने देखा, लेसन टू में क्या था वो भी आपने सीखा, लेसन थ्री में भी जो है वो सीखा, फोर में भी जो, फाइव सिक्स सेवन भी हो गया है। अब आज आएंगे लेसन एट की क्या है नई चीजें हैं, ये रिविजन है वो हम पूछेंगे लास्ट। स्टैंड क्या होता है? अपनी अपनी जगह पे सब बोलिए, जो बोलते हैं उसको रिपीट करिए तभी आएगा बोलना। स्टैंड हो गया थोद वथुन, स्लीप चंगुन चंगुन। अगर मुझे किसी को बोलना होगा तो मैं बोलूंगी शंग, लेकिन सोने को बोलते हैं, स्लीप करने को बोलते हैं शंगुन। चिव चंगुन सब ठीक है, ठीक है, ट्राई ट्राई, गुड गुड। सापुन चिव, सापुन चिव में बिंदी है, सापुन 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 सापुन। गुड। स्वीप स्वीप डून डून, गुड। फ्लाई वो डून, फ्लाई होता है वुडन 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 वुडन। ओपन मचराव, गुड। मचरावन 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 मचरावन। राइट लेखन, गुड। ड्राइव चलावन चलावन। वॉश चलून चलून। डिस्ट्रीब्यूट बगरावन बगरावन। राइड चलावन चलावन। राइड सवार करें, सवार करें, वेरी गुड, सवार करें। पील सवार करूं, चढ़ूं, पील दयाल तुलून, या दो दो वर्ड्स है इसके, चढ़ूं कतराऊं कतराऊं कतराउन कतराउन तो नहीं होगा, पील सॉरी सॉरी, दल तुलुन तो जुलुन जुलुन। होल्ड हो गया रटुन रटुन रटुन, गुड। फिर है सेंटेंसेस, सिट डाउन बिहेव पत्थर बिहेव पत्थर बे, सिट डाउन पत्थर बे। ईट फूड बत खे बत, वेरी गुड। ओपन द बुक किताब मचराओ, excellent, go sleep gut song gut song, come down bonus, very good, close the door barkar band barkar band, switch on the light zal bijli zal bijli zal bijli zal, lay the carpet कलीन वहराव, रिपीट कलीन वहराव। गिव मी वाटर, म्यान मैं नहीं मैं मेदी त्रेश और कौन, सिट ऑन द चेयर कुर्सी पेट बे, गुड। गिव मी अ रूपी दी ही पैसे
Medi ak rupai. Ak means ak. Medi ak rupai. Go to market. Bazar gat. Very good. Come back. Bazar gat. Or gat. Come back. Come back. Vapas. 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 Your clothes. Palla. पलावचन छह में बिजी है कि आप आइए आज रिलेशंस के बारे में. नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज लेसन. अभी तक तो रिवीजन ही था, पहले मृणालिनी जी ने भी कराया, फिर से यहाँ थोड़ा रिवीजन था, अभी यहाँ से है आज का लेसन. पैटर्नल अंकल होता है पितर. बोलिए पितर. पैटर्नल आंट होती है पेचेन. पेचेन. मैटरनल अंकल होता है माम. मैटरनल आंट होती है मामन. ग्रैंडफादर होता है बुड़बब. मैम ये पैटर्नल अंकल इज चाचा एंड ताया बोथ? नहीं, कश्मीरी में ऐसा नहीं है. कश्मीरी में सेम है, पितर दोनों के लिए है, चाचा भी और ताया भी. अभी मैं करूंगी एक्सप्लेन एक एक वर्ड को, पहले ये पूरा करें नीचे तक. बुढ़बब होता है ग्रैंडफादर, और ग्रैंड मदर होती है नान. पैटर्नल अंकल सन होता है पितर बॉय. पैटर्नल अंकल्स डॉटर होती है पितर बिन. अब ऊपर सबसे ऊपर लिखा है पितर. पैटर्नल अंकल हो गया पितर. ठीक है, यहाँ पर ताया और चाचा दोनों सेम है, जैसे हिंदी में होते हैं ना अलग अलग, लेकिन कश्मीरी में सेम होता है. चाचा ताया एक ही है. इन्होंने लिखा हुआ है ना सन और डॉटर का, मतलब जनरली ऐसे बोलते हैं ना पितर या पितर, मतलब पितर बेनी. पर जो स्पेलिंग है वो मतलब सेम रहेगा कि इट विल नहीं नहीं अलग है. संस्कृत से आया ये पितुर में आएगा, चंद्र नीचे तुर में आएगी उ की मात्रा. पितुर पितर 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 चंद्र आएगा नीचे. हो गया ये माम और मामन सेम है. बुढ़बब जो होता है जैसे ग्रैंडफादर है, दादा दादी और नाना नानी है, दोनों के लिए सेम होता है कश्मीरी में बुढ़बब नान. उसको जब डिफ्रेंशिएट करना होता है तब बोलते हैं गरिच हो गई, हो गई और माता माल. ठीक है, और बट दोनों के लिए बुढ़बब नान सेम है जैसे इंग्लिश में है. ओके, हिंदी में अलग है बट जैसे इंग्लिश में है. पांचवा ईशा गारिक बुढ़बब गारिश नान, माता मालिक बुढ़बब माता मालिक नान. ठीक, रोल्ड हो गया. पितृ बोय और पितृ बेनी, देखो यहाँ है पितृ बोय पितृ बेनी. पितृ बोय मैं त में छोटे उ की मात्रा है, और यहाँ पर नीचे पितृ बेनी में चंद्र लगा है त के नीचे. तो दोनों में डिफरेंशिएट हो गई साउंड और दोनों में फर्क आ गया. वो बोय के साथ लग गया छोटे उ की मात्रा, यहाँ पितृ बेनी में लग गई नीचे त के नीचे. क्लियर मैम? दादी को क्या बोलते हैं? दादी को नान, गरिच नान. गरिच नान मैंने कहा था दोनों के लिए सेम है. दादी यही होगी. और पूछना है कुछ इनमें से? एनी डाउट्स? मैम बेनी सिस्टर नहीं होता? बेनी हो गई सिस्टर. तो मैम ये डॉटर के लिए यूज किया है पितर बेनी. ना वो डॉटर क्या है, ये वो सिस्टर है ना वहां पर. तो हमारी हुई ना, मतलब सिस्टर तो जिसकी है ना, अंकल्स डॉटर क्या लगेगी आपको, वो तो बेनी हो गई, बहन हुई ना, कजन सिस्टर जैसे. ओके ओके. हाँ कजन सिस्टर जैसे. अब ये इसी में है, ये मामतुर बॉय मामा का बेटा, मामतुर बेनी मामा की बेटी. ठीक है, मामतुर बॉय मामतुर बॉय और मामतुर. देखो तुर और तुर, तुर आया मेल में और तुर आया मेल में. तुर और तुर. अब दीज आर स्मॉल सेंटेंसेस. टेल मी मेवान. टेल मी हो गया मेवान. हु आर यू?
सुकुशुक सुकुशुक गो आउट नेवर नेर गो आउट होता है नेवर नेर कीप सिंगिंग ग्यावान रोज ग्यावान रोज शो योर टंग पनिन ज्याव हाव पनिन ज्याव हाव रीड दिस बुक ये किताब पर ये किताब पर जो विजिबल है जैसे ये है यहाँ मेरे पास है ये किताब पर लेकिन अगर कोई दूर चीज है उसको बोलेंगे हो किताब ये किताब पर सुकुशु द पर्सन हु इज इनविजिबल या दूर है सुकुशु सुकुशु और अगर यहाँ पास में है हुकुशु सुकुशु हुकुशु टुडे इज संडे आज आतवार सुकुशु वो कौन है हिंदी में हो गया उसका वो कौन है हुकुशु वो कौन है दोनों के लिए सेम है कश्मीरी में थोड़ा सा फर्क है मैंने फिर से बोलूंगी सुकुशु जो विजिबल नहीं है जो दूर है अगर हु है हुकुशु That is visible, जो सामने कहीं है मेरे ख्याल से वो हिंदी में जैसे ये कौन है और वो कौन है हाँ exactly नहीं तो फिर ये कुछ तो आएगा ना कि नहीं ये मतलब ये कौन है वो भी कह सकते हैं ये भी है कह सकते ये कुछ टोटल जो बिल्कुल पास में होगा जो टोटल बिल्कुल पास में होगा ये कुछ सुकुश थोड़ी दूर में होगा और हुकुश तो और दूर होगा टुडे इज संडे आज आतवार गेट योर बुक पनिन किताब अन पनिन किताब अन किताब अन पनिन किताब अन वे इज पिंकी पिंकी कहते छे अगर यहाँ पर बॉय होता वेयर इज रमेश उसको बोलते रमेश कहते छो यहाँ गर्ल है Where is Pinky? Pinky kati chhe. It is raining. Rood chupyavan. Rood chupyavan. Rood chupyavan. Chupyavan. It is snowing. Sheen chupyavan. Sheen chupyavan. What are the plants? Kulen besal. Kul hota hai ped. और ये है कुलन मेनी कुलन दिस कुल होता है मेनी लेकिन कुलन हो गया पेड़ों को दिस साग दो साग हो गया वाटर इज फूड रेडी जब जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब लगता है छा तैयार जैसे छ होता है लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब लगता है छा बतछा तैयार अगर ये बोलना हो कि अगर आंसर देना हो कि हाँ खाना तैयार है तब बोलते हैं बतछु तैयार ये इसलिए बतछा क्यों फर्क आया ना छा और बतछा तैयार छा और छु हो गया सिंपल आंसर और छा हो गया क्वेश्चन में आइन योर छो पलवन कर कुंद पलवन कर कुंद कर पलवन कर कुंद कर कुंज पापा हैज कम पापा छु आमुद पापा छु आमुद सिट डाउन हियर पापा छु आमुद येटत बे पत्थर ये पढ़ ले जरा सब लोग पढ़े ये येटत बे पत्थर अगर य में लगी होती नॉर्मल हिंदी वाली एक ही मात्रा तो ये हो जाता लेकिन ये उस मात्रा का शॉर्ट फॉर्म है इसलिए बोला जाएगा उसको ये तेत इसी तरह इसमें भी होगा ये तेत बे पत्थर ये पत्थर गेट वेल सून
गेट वेल सून, यहाँ देखो जल, यहाँ बोलते हैं जल्दी, जल गच ठीक, सून, जल गच ठीक, जल गच, जल गच ठीक, जल गच ठीक में पॉटर होता है बट यहाँ पर है ये सून, जल गच ठीक, जल्दी जल्दी, यस, पार्ट्स ऑफ बॉडी है ये, हेयर हो गया मस, हेड हो गया कल, फोरहेड हो गया डेक, फेस हो गया बुत, आई हो गई उच, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ूंगी उच को, अगर हम चंद्र न लगाएंगे तो ये बन जाएगा हिंदी वाला अच, लेकिन हम चंद्र इसे लगाए हैं कि ये लिप बोलना है हमको उच, एयर हो गया कान, नोज हो गई नस, मास कल डेक बुत कान नस, सम डिस्टर्बेंसेस देयर, माउथ हो गया अस, नाउ नॉट आस, ये है टंग हो गई ज़ेल, लिप्स हो गए वुट, टीथ हो गए दंत, चिन हो गई हंगन, हंगन सबको पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए रिपीट करिए, हंगन, पहले ह है उसके नीचे व हो गया हौ, ऊपर से बिंदी है हो गया हौ, फिर हो गया गैन, हंगन, थ्रोट हो गया होट, नॉट होट, थ्रोट हो गया होट, नेक हो गई कर या गर्दन, दोनों चीज बोला जाएगा, कार नहीं कर, और गर्दन एज इट इज, गर्दन तो हिंदी में भी होता है, अभी होमवर्क है सब, मेरे ख्याल से आज का लेसन छोटा ही था लेकिन वही रिलेशंस है, यू हैड टू लर्न, ठीक है, मेरे ख्याल से सबको प्रैक्टिस करेंगे एक बार, एक एक दो दो वर्ड सब पढ़ेंगे तो पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर लिखने की प्रैक्टिस वो लोग खुद कर सकते हैं, रिवीजन वाला छोड़ दे के आगे फिर हाँ, यहाँ से पढ़िए, तीन सेंटेंसेस एक एक पढ़ेगा क्योंकि ज्यादा तो है नहीं, प्रदीप जी आप अनम्यूट करिए, प्रदीप जी के वहां से शोर आ रहा था काफी तो मैंने म्यूट किया, हाँ जी हाँ जी, पढ़िए पहला, हाँ जी, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल, पितुर, पैटर्नल आंट, पेचन, उसकी मात्रा आपको दिख रही है कहीं पे पैतर में, पैतर जो है उसमें उ है कहीं, नहीं है ना, इसलिए आप मत पढ़िए पैतुर, मत पढ़िए उसको उ के बगैर पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे पेतर, हाँ पेतर, 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 मैं डिफरेंशिएट कर जाती हूँ, देखिए अगर अगर उ की मात्रा होती तो उसको पढ़ा जाता पेतुर, अगर इसमें मात्रा ना होती तो बोला जाता पेतर, लेकिन इसमें जो मात्रा, इसमें जो चंद्र लगा है इससे पढ़ा जाएगा पेतुर, तुर दबा के तुर, पेतर, पेतर, करेक्ट, पेतर, हाँ। वही जीव दबाने अभी आदत नहीं पड़ी, हाँ, पेटर्नल आंट, पेचन, चेन, चेन, पेचन, मेटर्नल अंकल माम, ये तो माम ठीक ही है, ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, विदुषी, मेटर्नल आंट इज मामई, ग्रैंडफादर इज बुडबब, ग्रैंडमदर इज नाइन, ठीक है, प्रिया जी आप पढ़िए, पिटर्नल अंकल सन इज पितर बॉय, पिटर्नल अंकल्स डॉटर पितर बेनी, पिटर्नल अंकल सन इज मामतर बॉय एंड मिटर्नल अंकल्स डॉटर मामतर बेनी,
पेंडिंग ठीक नेक्स्ट अब ज्योतिका जी आप पढ़िए टेल मी मे वन हु आर यू सुपुस छुक गो आउट नेबर नेर प्रदीप जी प्रदीप जी सिंगिंग शुरू हाँ थोड़ा मुश्किल है ग्यावन रोज ग्यावन रोज ग्यावन ग्यावन रोज 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 ग्यावन रोज रोज हाँ करेक्ट नेक्स्ट शो योर टंग पन्नुन पन्नय हाव पन्न के नीचे उ नहीं है पन्नय पन्नन हाँ जेव 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 हाव हाव करेक्ट शो योर टंग रीड दिस बुक रीड द बुक ये किताब पर करेक्ट थोड़ा स्क्रॉल करिए तीन आगे भी पढ़ो हाँ थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा स्क्रीन हाँ पढ़िए ये किताब पर ये हु इज ही भी पढ़िए हु इज ही सु कुछ सु सु हु कुछ सु सु कुछ सु हु कुछ सु हु टुडे इज संडे दोनों ही हो गया ना एक पास वाला एक दूर वाला हाँ प्रिया जी टुडे इज संडे आज छी अथबार आज आज हाँ प्रिया जी आप पढ़िए गेट योर बुक पन्न किताब अन पन्ने पन्ने हाँ किताब वेयर इज पिंकी पिंकी कते छी कते छी आप ठीक कर रहे कते छी इट इज रेनिंग इट इज स्नोइंग अरे आप फिर से पढ़िए एक मिनट पढ़िए दोबारा इट इज रेनिंग टू जवान जवान करेक्ट इट इज स्नोइंग शीन टू जवान water the plants kulyan de sag right is food ready bat cha tayar bat bat cha tayar 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 ha ye padhiye iron your clothes palavan kar kutya kuin ye thoda mushkil hai kund ये मुश्किल है थोड़ा कुंज कुंज रिपीट करिए कुंज कुंज ये द और य मिक्स है हाँ हाँ इसीलिए मैंने बोला विद्या जैसे विद्या वाला द है ना कुंज विद्यालय विद्या वही द है कुंज कुंज हाँ करेक्ट ऐसे बिल्कुल अब ये दोनों भी पढ़िए आप Papa has come. Papa chu amut. Sit down here. Yetit beh pathar. Correct. Good. Get well soon. Jal gats thi. Jyotika ji, ab aap padhiye ye pehli line parts of body ki. Hair, mass. कल डेक बुथ अच कान नस मे क्वेश्चन ट्रीज एंड प्लांट्स कोशिर पट वन दोशवनी कुली अपॉन कोशिर पट की कुली वनान जे अप जम छु कुल अपॉन द मो कुलन दोनों को नहीं एक्चुअली कुल होता है ना एक हाँ नहीं वो बोल रही है प्लांट और ट्री जैसे इंग्लिश में है ना प्लांट और ट्री दोनों
कुली वना मैं बासन कुछ वना पे कुछ अगर छोटा प्लांट हो तो पचपना कुछ ये ये चीजें तो सीखनी है ये नहीं हमें कश्मीरी होके पता कैसे उसना कश्मीरी जनान्या सना पोष कुछ हाँ मैं उस पता कि कुछ का बुके बुके यूज़ वन आसान बुके ऑफ फ्लावर पोष कुछ जो कुछ वो लगकर आसान मतलब लगता कुछ कुछ तो कई किज किज केज का ही लगते लकर टुकड़े लगते केज तो वो लो हो गया इसी में जो लगाते हैं ना एडजस्ट करने के लिए तो आठ लगे हैं कि बुक जो लिया अच्छा नेक्स्ट अब आप कौन पढ़ेगा प्रिया जी आप पढ़िए फिर उसके बाद प्रदीप जी को बोलेंगे माउथ इज पुस टंग इज जेफ लिप्स वुट टीथ टीथ डन Chin is hongan. Very good. टंग में थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको ज्याव ज और य दोनों हाँ दोनों की आवाज ज्याव हाँ प्रदीप जी अब आप ये लास्ट दो वर्ड्स पढ़िए प्रदीप जी को अनम्यूट करना पड़ेगा Short, hoot. Short. Short है ना इसकी आवाज बर्डली वाली ये आता है इसकी आवाज जो है hoot. वो शॉर्ट है hoot. इसीलिए ओ के एच ओ टी को नहीं तो हॉट बोला जाएगा इसको शॉर्ट कर hoot. दिया है तो hoot. 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 Moot. Hoot. These are the words from this matra. Hoot. Next word. Neck. गर्दन कार कार नहीं कार 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 कर कार लर हर ब्रर सर ये वर्ड्स हैं इस मात्रा के इस ध्वनि के ब्रर क्या होती है गर्दन बिल्ली ब्रर ब्रर बिल्ली बिल्ली होती है ब्रोर होता है बिल्ला ब्रर होती है बिल्ली कर होती है गर्दन लर होता है खीरा ये एक ध्वनि के ये वर्ड्स हैं लर बर खर खर होता था ये वेट होता था पहले क्या होता है मैडम हाँ खर क्या होता है फिर से बोलिए मैंने सुना नहीं ब्रेक हो गया खर पूछ रहे खर 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 होती थी वो खार होती थी खर खर जैसे चावल लाते थे या धान लाते थे तो कितने खरवार जिसको हिंदी या उर्दू में बोलते हैं तो पहले तो होता नहीं था ना ये किलो और टन पहले होता था ख खा वही खरवार और सुनो बे इवन बे ये ज्यादातर मुसलमान बनाते थी खर ही खर खैरियत खैरियत का अब क्या है ये पीडीएफ ऑफ लेसन विल आल्सो बी पोस्टेड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज टेक प्रिंट आउट्स एंड मेंटेन ए फाइल एंड रिवाइज एज एंड देखो राणा साहब ने कितने अच्छे से बार बार वही बात की ऐसा ना हो कि तुम लोग स्लिप कर जाओ स्किप कर जाओ नहीं तो सेम थिंग वापस लिखी है यू कैन ट्राई एंड यूज द लर्न्ड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन योर डेली रूटीन इफ यू हैव नो वन टू टॉक विद टॉक टू योर सेल्फ इन द मिरर But मैंने तुम लोगों को कहा था you can talk to me, you can call me. It is important that you use these words daily. It will help you memorize them and use them in your daily conversations. Don't worry, you don't have to jump start creating sentences. You can use Kashmiri words and insert them in Hindi English sentences. Gradually you will learn sentence formation in Kashmiri. For example, I am Vare or I ate Bhat or Val here. Something like this, like just this. To make learning more fun. Assignment kya hai fir? Write down all the relations. Relations do bar likha hai. English plus translation in your notebook. Read them and record your audio. Step 2, step 1B, write down 8 of the sentences you learned today. English plus translation in your notebook. Read them and record your audio. Step 3, step 1C,
learn the parts of body taught today. Try and memorize them. In the next lesson, we will ask about them. Record audio, video. Step 4, with your self-assessment feedback, as in how do you feel, where do you stand, what difficulties you are facing, etc. Also, post pages and the video to our another assistant teacher, Mrs. Kusum Variku, on WhatsApp, number this. Please don't post any assignment on Kusum WhatsApp group. Tell your roll number and name in the video also. फिर से वही बात आ गई। आज प्रदीप जी के लिए ये बात है खास करके, क्योंकि उन्होंने पिछला काम नहीं किया है। इम्पोर्टेंट नोट, ऑल द क्लास होमवर्क नीड्स टू बी सबमिटेड बाय वेडनेसडे एंड ऑफ द डे। सबमिशंस आफ्टर वेडनेसडे शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। होमवर्क मार्क्स शैल बी काउंटेड फॉर इवेल्युएशन। दोज हु हैव ऑलरेडी अटेंडेड अवर प्रीवियस क्लासेस एंड आर हियर फॉर रिविजन नीड नॉट सेंड अस देयर असाइनमेंट फॉर दिस लेसन। दैट इज एंड ऑफ लेसन 8। तुम लोग हाफ वे कर चुके हो। आई थिंक 8 मोर लेसन आर देयर, यू विल बी परफेक्ट इन कश्मीरी लैंग्वेज। आर यू हाफ वे? शैल आई स्टॉप शेयरिंग? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? I'm just looking forward to more sentences. वो बहुत difficult लगता है। Like words आते हैं, like to speak is I know banan, but वो कैसे sentence में आता है? और जब कोई speed में बोलता है तो नहीं समझ में आता। Like वो तो है, नई language होती है तो जैसे for example आपने कहा banan, ये banan जो है ये अलग अलग तरीके से use हो सकता है। बुछस banan, बट ये जनरली इस तरह से नहीं यूज होता है, ये किसी खास कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। बुछस कथ करान, आई एम स्पीकिंग, बुछस कथ करान, सो इस तरह से बोलते हैं। बुछस बोलान, बुछस कथ करान, या मुझे आपसे कहना होगा कि आप बोलो। ये सेंटेंस मैं कश्मीरी में कैसे बोलूंगी? आप बोलो सवान, छोटे को बोलते हैं, या बराबर वाले फ्रेंड्स होंगे उसको बोलते हैं। अगर किसी बड़े को बोलना हो तो हम कहते हैं तो वन्यू। जब रिस्पेक्ट देना होता है आई भी आ जाता है पीछे, वन्यू मतलब वन्यू कोई भी आता है और वन्यू भी आता है। जैसे आपने आज, मैंने एक चीज नोटिस किया जब हम लेसन कर रहे थे, उसमें आपने खुद ही बोला पत्थर बिहेव। पत्थर वे छोटे को बोलते हैं या बराबर वाले को बोलते हैं, बड़े को बोलना हो तो बोलते हैं पत्थर बिहेव। इसे थोथ विथिव इज, वो बड़े को बोलते हैं थोथ व्हाट या थोथ विथिव, रेस्पेक्टफुली थोथ विथिव थोथ, या प्रॉपर सेंटेंस अगर ग्रामेटिकली बोलेंगे तो तोय विथिव थोथ वाथ थोथ। बट बोलने भाषा और लिखने वाली भाषा, ये दोनों में अंतर आता ही है, तो उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं थोथ वाथ थोथ विथिव। बट एक्चुअल सेंटेंस अगर बोलेंगे तोय विथिव थोथ वाथ थोथ, ये एक्चुअल सेंटेंस है लिखने में अगर लिखना होगा तो। अब जैसे छोटे में बोलते हैं बात के, बट अगर रेस्पेक्टफुली बोलना है बात के यू, बात के यू वाले बात के तो ही के बात तो के बात रेस्पेक्ट करेक्ट, या ज्यादा लोग अगर होंगे तो सॉरी के यू बात, सॉरी के यू बात वाले 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 सिंगुलर या छोटे को वाले प्लूरल या बड़े को। ओके कम हियर, आप सब आइए। हाँ वाले यूर आपको अभी बोलती हूँ, जैसे मिच्छ तगान कोशुर बोलुन गर मिच्छुन लेखुन तगान, आप उसको कन्वर्ट करो।
आपको बोलना आता है बट आपको लिखना नहीं आता है कश्मीरी. राइट. देखो आपस में भी अगर आप लोग बात करोगे बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी एक दूसरे का वो करके. I'm just doing for my daughters so that I can pass on something at least. So, good. How old is she? कितनी बड़ी है वो? One is 6.5, one is 3.5. Okay. अगर जैसे हम लोग है ना हमने बचपन में से कश्मीरी सीखा सुना है बोला है तो हमारी तो ये मदर टंग है. बट जब हमको बोलना होता है हम कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि हमने एक्चुअली ये भाषा सीखी नहीं है ग्रामेटिकली. जैसे मैं तब ये दोनों मैं माई आई सिग्निफाई करते हैं लेकिन मैं कब यूज होता है ब कब यूज होता है ये कॉन्टेक्स्चुअल है. दोनों का मतलब आ ही है. मैं छु बत ख्योन ब ख्यम बत. सो मैं छु बत ख्योन इज फ्यूचर ब ख्यम बत इज प्रेजेंट. आई एम ईटिंग फूड आई एम गोइंग टू ईट फूड. सो ये फर्क पड़ता है. ये जब लैंग्वेज को जितना ज्यादा इन डेप्थ सीखेंगे उतना ज्यादा फिर ऑप्शंस बढ़ जाते हैं और फिर और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है. सो आई वाज सेइंग दिस लाइन मजी मजी मेउन मा कॉल मन करस नाम. सो आई वाज करेक्टेड बिकॉज़ मे बी कॉल मींस समथिंग एल्स आल्सो आई डोंट नो. सो दे वर लाइक यू नीड टू प्रोनाउंस दिस करेक्टली कॉल. मजी मजी म्योन माल कॉल मंस करस श्रान. द सन इज कॉल मंस मतलब कॉल मंस करस कॉल इज रिवर कॉल स्ट्रीम सॉरी. सो आई थिंक अ सिमिलर वर्ड मींस समथिंग नॉट वेरी गुड. कॉल एक होता है वो गार्गल करना पता नहीं मतलब मे बी कोलकाता नहीं वो तो अलग है वो कोलकाता है. कॉल मतलब ये जो बोल नहीं सकता कॉल 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 कॉल. ठीक है. ठीक है एनीथिंग कुछ किसी को पूछना है तो मैं होमवर्क में बड़ी डांट पड़ती है कुसुम मैम से. हम अपने कोशिश करते हैं कि बिफोर फ्राइडे भेजे पर जब भी मैं भेजती हूँ वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं फिर मैं एक्सेप्ट करती हूँ. मैं कहा मेरी गलती कहते शकवाना तू तो तेज ऑडियो भेजती है तो मुझे समझ नहीं आता तू क्या बोलती. मैं एक्चुअली जब मैंने इस सन लास्ट लेसन का भेजा